हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गीतियन रीत में। आज हम देखने जा रहे हैं कि विंडोज 7 या 10 में अगर पार्टीशंस यानी ड्राइव्स डिलीट ना हो तो उसे कैसे डिलीट करें। देखिए, ये पार्टीशन डिलीट हो गए, इसलिए यहाँ पर न्यू सिंपल वॉल्यूम दिखा रहा है। तो चलिए अब मैं इस पार्टीशन को डिलीट करके दिखाती हूँ। अब राइट क्लिक करें, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हेल्प, बाकी के सारे ऑप्शंस लॉक्ड है, इसलिए मैं इस पार्टीशन को डिलीट नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए अब इसे डिलीट करके देखते हैं कि ये डिलीट होता है नहीं। अब राइट क्लिक करें, देखिए यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते, तो सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करके CMD टाइप करें। अब इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करें। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गए। अब यहाँ पर टाइप करें डिस्क पार्ट और एंटर करें। सबसे पहले हमें देखना है कि यह कितने हार्ड डिस्क है, और वो देखने के लिए यहाँ टाइप करें लिस्ट डिस्क और एंटर करें लिस्ट डिस्क। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो हार्ड डिस्क दिखाई दे रही, पहली हार्ड डिस्क है 80 GB की और दूसरी है 500 GB की। देखिए नीचे भी 80 GB की हार्ड डिस्क है पहली और दूसरी है 500 GB की। हमें 500 GB की हार्ड डिस्क के पार्टीशन को डिलीट करना है, इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट डिस्क 1 टाइप करके एंटर करें। सिलेक्ट डिस्क 1, देखिए नीचे आ गए डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क, यानी कि 500 GB की हार्ड डिस्क सिलेक्ट हो गई है। अभी हमें बस क्लीन टाइप करना है, क्लीन टाइप करके एंटर करें। देखिए नीचे पार्टीशन डिलीट हो गए और ऊपर भी आ गया डिस्क पार्ट सक्सेसेड इन क्लीनिंग द डिस्क, यानी कि पार्टीशन डिलीट हो गए। देखिए पार्टीशंस डिलीट हो गए। अब यहाँ पर एग्जिट टाइप करके एंटर करें और डिस्क पार्ट से बाहर आइए। अब फिर से एग्जिट टाइप करके एंटर करें और कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आइए। आप देख सकते हैं कि पार्टीशंस डिलीट हो गए। तो इसी तरह से हम विंडोज 7 और विंडोज 10 में पार्टीशंस को डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू सिंपल वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।